और नए साल में अमेरिका ने आतंकवाद पर करारा चोट किया है, इसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी शामिल हैं। भारत में कई हमलों में शामिल आतंकी संगठन लश्कर और जैश पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की भी कमर तोड़ दी गई है। अमेरिका ने आतंकी संगठनों के 460 करोड़ रुपए को ब्लॉक कर दिया है। इसमें लश्कर के 3,42,000, जैश के 1,725 और हरकत के 45,798 अमेरिकी डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल अमेरिका की अहम एजेंसी है। ये एजेंसी अमेरिकी विदेश नीति और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई करती है। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, अमेरिका ने ताइवान की खाड़ी में तैनात किए अपने जंगी जहाज। अमेरिका ने जंगी जहाज तैनात कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। नए साल में अमेरिका चीन के बीच और खटास बढ़ेगी। घरों में हम और आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि सीमाओं पर जवान आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। गुजरात का कच्छ इलाका, जहां गर्मी के दौरान भीषण गर्मी और सर्दी के दौरान बेहद ज्यादा सर्दी होती है, ये ऐसा इलाका है जहां मौसम की मार सबसे ज्यादा है। गुजरात के कच्छ बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान सभी परिस्थितियों में अलग अलग इलाकों में तैनात रहते हैं। ऐसा ही एक इलाका है जिसे हरामी नाला कहा जाता है, वहाँ TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। यहाँ पर जो जवान हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो मौसम की मार होती है, लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं। जवानों की यहाँ पर पोस्टिंग की जाती है तब उन्हें ये बताया जाता है कि आपको लगातार यहाँ पर नमकीन पानी के झोंके जो है वो सहने होंगे। और इमरान खान अब अपने मुल्क में गरीबी दूर करने के लिए चीन का मॉडल अपनाने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने एक बार फिर जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधे। पाकिस्तान चीन का कितना बड़ा पिछलग्गू है उसने ये एक बार फिर साबित कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वो चीन के रहमो करम पर ही जिंदा है। दरअसल इमरान खान ने एक बार फिर जिनपिंग की विकास नीति का राग अलापा है। इमरान खान ने चीन के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार अपने मुल्क में आर्थिक सुधार और गरीबी मिटाने के लिए चीन के औद्योगिक विकास से सीखना चाहती है। इमरान खान ने कहा कि यदि हम इस दुनिया में किसी देश से सीख सकते हैं तो वो चीन है। उसका विकास मॉडल पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्क वीजा पर मार्च प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने पिछले साल 22 अप्रैल और 22 जून के कार्य वीजा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल पर अप्रवासी कामगारों को बड़ा झटका दे दिया है। इस झटके का असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ने वाला है। ट्रंप ने विदेशी कार्य वीजा पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से भारी तादाद में वो भारतीय कंपनियां भी प्रभावित होंगी जिन्हें अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा जारी किया था। ट्रंप ने यह फैसला कोरोना महामारी के कारण किया है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस का इलाज और वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन श्रम बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य पर महामारी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।